शर्लिन चोपड़ा और राखी सावंत की लड़ाई अब थमने का नाम नहीं ले रही। जहाँ पर शर्लिन चोपड़ा ने राखी सावंत को चर्बी की दुकान बोला था और उनके हस्बैंड के बारे में बहुत ज्यादा बुरा भला कहा था, तो उसका जवाब देते हुए राखी सावंत ने शर्लिन चोपड़ा को पॉर्न स्टार कह दिया और कहा कि हम पैसे रियलिटी शो और सॉन्ग करके कमाते हैं और जो शर्लिन चोपड़ा है वो पॉर्न फिल्में बनाकर पैसे कमाती हैं। तो अब शर्लिन चोपड़ा ने एक बार फिर से राखी सावंत को रिप्लाई दिया है। आप भी जरा इस वीडियो को देखिए और कमेंट्स में जाकर जरूर बताइए कि इन दोनों में से कौन सही और कौन गलत है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हमने देखा कि राखी सावंत मोटर माउथ पॉटी माउथ राखी सावंत मीडिया के सामने आकर कहने लगी कि पुलिस ने शर्लिन चोपड़ा का बयान लेने से इनकार किया। उसने बताया कि क्योंकि उसके भाई मीटू आरोपी साजिद खान निर्दोष हैं इसलिए पुलिस ने शर्लिन चोपड़ा का बयान लेने से इनकार किया। उसकी इस बात में ज़रा भी सच्चाई नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा, 29 अक्टूबर की रात लगभग 8 बजे के आसपास PSI मेघा मैम ने मेरा बयान दर्ज किया। मेरे पास पुलिस कंप्लेंट की कॉपी है जो मैं आप सबको कुछ देर में दिखाऊंगी। हमने देखा है कि जब जब यौन शोषण का विरोध कोई करता है, खासतौर पर बॉलीवुड में, तब तब राखी सावंत और राखी सावंत जैसे कॉकरोचेस और कीड़े मकोड़े तुरंत खड़े हो जाते हैं यौन शोषण का विरोध करने वालों का विरोध करने के लिए। आप सबको बता दूं कि राखी सावंत जो एक बदसात और बददिमाग औरत है, उसका मोडस ऑपरांडी है क्या? लग्जरी होटल्स में जाकर प्राइवेट इवेंट्स करना और करवाना, ये है उसका मोडस ऑपरांडी। और क्या करती है वो जिंदगी में? आए दिन सब्सक्रिप्शन पर बॉयफ्रेंड और हस्बैंड बनाती है, उन्हें लूट लूट के कंगाल बनाकर छोड़ती है, ये है उसके जीने का तरीका। हम सब जानते हैं कि वो एक नंबर की भीख मंगी है, झूठ मूठ का ड्रामा करके लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करती है और आजकल किस खान के टुकड़ों पर पल रही है ये हम सब जानते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार ये जो नेक्सस है फिल्म इंडस्ट्री में, ये रेप कल्चर को, ड्रग कल्चर को, सेक्सिज्म को, नेपोटिज्म को बढ़ावा क्यों दे रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी है जिसके चलते सब खामोश हैं। सलमान खान सर खामोश हैं, बिग बॉस के मेकर्स खामोश हैं, पुलिस खामोश है। हम किस तरह का मैसेज दे रहे हैं समाज को? जब जब मैं इंसाफ की गुहार लगाती हूँ, राखी सावंत जैसे कीड़े मकोड़े सामने आकर कहते हैं, अरे ये तो पॉर्न स्टार है, अरे ये तो वैश्या है। आप मुझे बताइए, क्या संविधान ये कहता है कि वस्त्रहीन होना रजामंद होने के बराबर है? वस्त्रहीन होना अलग है, रजामंद होना अलग है। अगर कोई महिला वस्त्रहीन होकर सड़क पर चल रही होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रजामंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पुरुष या कोई भी इंसान उसको हाथ लगा सकता है या छेड़ सकता है। हमें ये समझना चाहिए कि न्यूडिटी डज नॉट टैंटामाउंट टू कंसेंट। जिस्म की नुमाइश करना रजामंद होना नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये लोग अनपढ़ हैं, गवार हैं, जाहिल हैं, इसलिए ये लोग इस तरह की टिप्पणियां हर आए दिन करते रहते हैं। राखी सावंत पॉटी माउथ राखी सावंत अश्लील, घटिया, जलील, घिनौनी, बदसात, बददिमाग राखी सावंत टॉमी बनी है और जो कोई भी उसकी ओर हड्डी फेंकता है उसके लिए वो भौंकना शुरू करती है। तो कभी साजिद खान के लिए भौंकती है, कभी राजकुंद्रा के लिए भौंकती है। वो कह रही है कि उसने मेरे अश्लील वीडियोस देखे हैं,
तो मैंने उसके सामने ये सवाल रखा कि वो अपने फैंस को, दर्शकों को, मीडिया को क्यों नहीं बताना चाह रही है कि उन वीडियोस के निर्देशक और निर्माता कौन हैं। वो बताए, वो आधी अधूरी जानकारी क्यों दे रही है, वो पूरी जानकारी क्यों नहीं देना चाह रही है। वो बताए, खुलकर बताए कि जिस वीडियोस का वो जिक्र कर रही है उन वीडियोस के निर्देशक निर्माता कोई और नहीं बल्कि उसके भाई साहब राज कुंद्रा और उनकी श्रीमती शिल्पा शेट्टी हैं। लेकिन ऐसा बोलना उसके लिए मेरे ख्याल से अनुचित होगा क्योंकि राज कुंद्रा को वो भाई मानती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपने कान और आंख खुले रखें और देखें कि क्या हो रहा है इस समाज में, इस इंडस्ट्री में। जी, वो स्क्रीनशॉट मैंने संभाल कर रखा है जिसमें उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है मेरे लिए, और अगर वो सच में लीगल नोटिस भेजना चाह रहे हैं तो बेशक भेजें, मेरी लीगल टीम इंतज़ार कर रही है उस नोटिस का जवाब देने के लिए। लेकिन इस तरह की चेतावनी देने के बाद उस चेतावनी को डिलीट करना, इसका क्या मतलब निकलता है? क्या जोश में होश खो बैठे हैं या उन्हें लगता है कि उनसे कोई गलती हो गई है? खैर, बहरहाल जो भी बात है उन्हें सामने आकर स्पष्टता से अपनी बात रखनी चाहिए, बताना चाहिए कि क्यों उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट किया, और ये भी बताना चाहिए कि क्यों मुंबई क्राइम ब्रांच ने FIR 26/2021 के चलते उन्हें चीफ या की कंस्पिरेटर घोषित किया,